हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। कसम जा रहे हैं सौरभ वन विहार, आपको आज की इस ब्लॉग में बहुत कुछ दिखाने वाले हैं। आपने वो वाली मूवी तो देखी होगी यार, शेरशाह। तो शेरशाह मूवी पर आज का ये ब्लॉग होने वाला है, तो चलिए अभी चलते हैं। तो दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में हम आपको दिखाने वाले हैं शेरशाह मूवी के कुछ ऐसे सीन जो कि लोकेशन हैं यहाँ पर। और आप सभी को पता है यार कि जो भी विक्रम बत्रा थे वो हिमाचल प्रदेश के थे और अपने पालमपुर के थे। कहाँ के हो तुम? पालमपुर, हिमाचल सर। तो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं वो सारी लोकेशन जहाँ पर की मूवी की शूटिंग हुई है। तो चलिए अभी बताते हैं आपको। और दीदी आ गई है घर, तो दीदी हेलो तो कर दो। हेलो। और देखिए शादी के बाद कितनी चेंज हो गई है। तो दोस्तों अभी गाड़ी हमारी आ गई है, तो चलिए अभी चलते हैं। दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं पालमपुर बाजार में, और ये वही बाजार है जहां से कि कैप्टन विक्रम बत्रा की बॉडी को ले जाया गया था शमशान घाट में जलाने के लिए। और आप फिल्म में भी इस बाजार को देखा होगा आपने। ये देखिए दोस्तों, सामने क्या ही व्यू है यार, ये है हिमाचल की ब्यूटी। सामने आप देख सकते हैं इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं और बर्फ से ढके हुए। हाँ जी दोस्तों, तो अभी हम पहुंच गए हैं सेकंड शूट की लोकेशन पर। मेरे बीच आपको एक ब्रिज दिख रहा होगा जो कि तिरंगे के कलर में बनाया गया है। और ये देखिए आप, यही है सौरभ वन विहार। यहाँ पर हुई है शेरशाह मूवी शूट। सारी मूवी नहीं शूट हुई है, बट यहाँ पर थोड़ी क्लिप्स शूट हुई हैं, वो आप देखिए पहले। ये तो बहुत बड़ी गलती करने जा रहा है, बता रहा हूँ तेरे को मैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये है वो पुल जहाँ पर की शूटिंग हुई है। और ये देख सकते हैं आप, इस पुल को बड़े बड़े लोहे के रस्सों से बांधा गया है। एक छोर इसका यहाँ पर है और दूसरा दूसरी साइड है, तो वहाँ पर भी दिखाते हैं आपको। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ बे टू सौरभ वन विहार। और झूला, ये है झूला, यहाँ की पुल है। ये देख सकते हैं आप, हैंगिंग ब्रिज है ये। ये देखिए, ये देखिए, ये है सौरभ वन विहार। और ये है वो पुल जहाँ पर की शूटिंग हुई है। तो ये देख सकते हैं आप, इस एंगल में कुछ इस एंगल में शूटिंग हुई है। नंगे नाए हम इस नदी के अंदर, समझा? तेरे को जितना मैं जानता हूँ ना, ना तेरी फैमिली जानती है और ना वो चंडीगढ़ जानती है। कितनी बार देख, डिंपल अच्छी लड़की है, मैं ये नहीं कह रहा कि, पर तेरा ही सपना था ना, तू ही कहता था ना आर्मी में जाऊंगा जी। अब क्या हो गया? मर्चेंट नेवी में जा। अबे जोकर लगेगा, जोकर। अबे मैं हर यूनिफॉर्म में स्मार्ट लगता हूं। और वैसे भी ये भी तो सर्विस हुई ना यार। अबे वो सपना था, ये सच्चाई है। सच्चाई नहीं है, इसको समझौता कहते हैं मेरे भाई। तेरे को समझ में क्यों नहीं आ रही है मेरी ये बात? ये बहुत भारी पड़ेगा तेरे को, ये प्यार के चक्कर में जो तू सैक्रिफाइस करने की सोच रहा है ना। तू जब कोई दूसरा बंदा आके सपना तोड़ता है ना, तो बंदा संभल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो जब तो खुद सारे सपने तोड़ेगा ना अपने, आदमी मर जाता है अंदर से, समझा? तो अभी यहाँ पर फोटोज वगैरह क्लिक करवाते हैं। और ये देख सकते हैं आप, पूरा का पूरा लोहे का बना है और लकड़ी का। ये देख सकते हैं लकड़ी का यूज हुआ है। पहले ये पुल टूट गया था, उसके बाद दोबारा रिपेयर किया गया इसको। और ये देख सकते हैं आप नीचे कितने बड़े बड़े कंकड़ हैं। तो ये है सौरभ वन विहार, अभी आपको आगे चल के दिखाते हैं। चलता है, ये देखिए आप किस तरह से मूवमेंट हो रही है, आपको दिख रहा होगा। ये देखिए आप, पुल में मूवमेंट हो रही है। और यार बट ये गिरता नहीं है, पहले गिर गया था पहले आगे से। और दीदी कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बढ़िया, बढ़िया लग रहा है। सामने देखिए कितना अच्छा मौसम है। और ये देखिए सामने पहाड़ है इतने बड़े बड़े। तो चलिए अभी आपको अंदर ले जा चलते हैं। और अंदर भी आए सौरभ वन विहार में, अंदर भी आए घूमने के लिए, तो चलिए चलते हैं। तो अभी हमने मैंने आपको दिखाया कि भाई शूटिंग कहाँ पर हुई है। सामने जो ब्रिज है वहाँ पर शूटिंग हुई है। और अभी हम जा रहे हैं सौरभ वन विहार में अंदर,
तो अंदर बहुत ही अच्छा है देखने के लिए और बैठने के लिए बहुत कुछ है। तो चलिए अभी आपको भी दिखाते हैं और अभी हम जा रहे हैं तो चलिए चलते हैं। ये देखिए ये है जिप लाइन यहाँ की, और पहले ये नहीं थी, ये न्यू बनाई गई है। ये हमने आप देख सकते हैं यहाँ पर चढ़ के ऊपर से सीधे जिप लाइन पार को और पार यहाँ पर लैंड हो जाएंगे। और ये देखिए यहाँ पर रॉक गार्डन की तरह कैसे पत्थर लगाए गए हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। दोस्तों ये है सौरभन बिहार का गेट और अभी हम यहाँ पर टिकट वगैरह ले लेते हैं। तो दोस्तों ये जो सौरभन बिहार है ये बनाया गया है श्री लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया की याद में, जो कि शहीद हुए थे और उनको पाकिस्तानियों ने घेर लिया था, पाकिस्तान में रखा गया था उन्हें 15 से 20 दिन पाकिस्तान में रखा गया था और उनसे कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की गई थी बट उन्होंने नहीं दी थी और फिर उन डेड बॉडी को फिर हमारे यहाँ भेज दिया गया था। तो चलिए अभी दिखाते हैं आपको सौरभन बिहार कैसा है। सौरभ कालिया सर का जो है स्टैचू, तो स्टैचू यहाँ पर है, ये आप देख सकते हैं। अभी आपको इसके सिनेमैटिक शॉट बताऊंगा और अभी आपको पहले यहाँ की यहाँ पर सौरभ कालिया सर की फ़ोटो भी लगी है तो वो बता देते हैं आपको। ये देख सकते हैं आप, ये हैं हमारे शहीद, हमारे देश के जवान सौरभ कालिया, और यहाँ पर लिखा गया है इनके सारे इतिहास लिखा गया है, कब इनकी हत्या हुई और कब इन्होंने जन्म लिया, सारी की सारी बायोग्राफी यहाँ पर लिखी गई है। यहाँ पर हिंदी में है, वहाँ पर इंग्लिश में है, तो आप इसे पढ़ना चाहें तो भाई पढ़ सकते हैं। और देश दिल से सल्यूट है इन जवानों को। लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया ये भी जब ये विक्रम डीएवी कॉलेज में पढ़ते थे, डीएवी स्कूल में पढ़ते थे, तो विक्रम एक साल उनसे जूनियर थे और देवर फ्रेंड्स आल्सो, देवर फ्रेंड्स आल्सो, ये एक साल जूनियर थे। उनको पेट्रोलिंग के लिए भेजा गया था, कारगिल वार जैसे प्रारंभ हुई थी तो सौरभ जी को पेट्रोलिंग के लिए भेजा गया था, उनके साथ 5 सोल्जर भी थे। और अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि वो बिल्कुल वहाँ पहुँच गए एलओसी के नियर बाई, जहाँ पर कि पाकिस्तानी सोल्जर्स काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे थे और उनको कैप्चर कर लिया गया। पर उन्होंने कोई सीक्रेसीज लीक आउट नहीं की, उनको बहुत टॉर्चर किया गया और बाद में कोई 20-25 दिन के बाद में उनकी बॉडीज को हैंड ओवर किया। हाँ, ये सौरभ वन विहार जो है ये उनकी स्मृति में बनाया गया है। और अभी हम जा रहे हैं सौरभ वन विहार से सीधे शमशान घाट, जहाँ पर कि लास्ट की एंडिंग की शूटिंग हुई थी इस फिल्म की। तो चलिए अभी आपको बताते हैं शमशान घाट। और गाइज आप मौसम देखिए, मौसम किस प्रकार का हो गया, पूरा बादल बादल हो गए हैं और अंधेरा होने लगा है अभी। तो अभी मौसम लग रहा है कि भाई बारिश होगी, लेकिन बारिश हो या कुछ भी हो भाई आपको फुल ब्लॉग बताना है, मैं नहीं चाहता कि भाई एक भी जगह मेरे से छूटे। तो चलिए अभी चलते हैं शमशान घाट की तरफ। हाँ जी दोस्तों, तो अभी मैं उतर गया हूँ गाड़ी से और अभी मैं आपको वो वाली शूटिंग लोकेशन दिखाना चाहता हूँ जो कि पालनपुर में हुई है, मेन पालनपुर में। तो चलिए अभी दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों अभी जो सामने आप देख सकते हैं ये है पालनपुर का मेन बस स्टैंड और यहीं पर हुई है वो शूटिंग। मुझे पता है कि भाई आप बोल रहे होंगे ये तो हमें मूवी में दिखाई नहीं, बट शूटिंग इसके बाहर नहीं, इसके अंदर हुई है, तो दिखाता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, इस पल को याद कीजिए, मूवी में आपने देखा होगा, बट अभी तो यहाँ पर पेंट हो गया है, पहले पेंट नहीं हुआ था। तो ये वो वाली लोकेशन है जहाँ पर कि सॉन्ग भी शूट हुआ था। तो अभी चलिए चलते हैं, ये है लास्ट लोकेशन और इसके बाद आता है भाई ये है पालनपुर का बस स्टैंड। तो अभी हम जा रहे हैं शमशान घाट की तरफ, तो चलिए चलते हैं। ये देखिए ये है वो शमशान घाट जहाँ पर कि विक्रम बत्रा, कैप्टन विक्रम बत्रा की बॉडी को जलाया गया था। तो चलिए अभी आपको आगे चल के दिखाते हैं शूटिंग कहाँ पर हुई है और कैसे कैसे शूटिंग हुई थी। तो यही है वो शमशान घाट, बहुत मुश्किलों से मिला है, तो चलिए अभी चलते हैं। दोस्तों जरा इस वाली लोकेशन को देखना, आपको खुद पता चल जाएगा कि भाई यही है वो लोकेशन। थे जो भी कैप्टन वगैरह यहाँ पर आए हुए थे और बहुत सी जनता थी, तो यही वो रोड है। और अभी चलिए आगे चलते हैं, तो आगे अभी आपको दिखाते हैं मेन शूटिंग जलाया कहाँ पर गया था। दोस्तों यही वो पौड़ियाँ हैं जहाँ पर कि डिंपल जी रोते रोते आए थे और यहाँ पर सारे कैमरा वगैरह सेट थे। और यहाँ पर इस जगह जलाया गया था विक्रम बत्रा जी की बॉडी को, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जलाया गया था। और ये है वो शमशान घाट, आपको यहाँ पर इस दृश्य को देखकर भाई थोड़ा सा तो आपको याद आ रहा होगा अगर आपने मूवी देखी है, तो यही है वो सीन। और यहाँ पर सारे लोग इकट्ठा थे, यहाँ से कुछ इस तरीके का शॉट लिया गया था, ड्रोन से लिया गया था। मेरे पास अभी कैमरा है तो मैं आपको इतना ज़्यादा नहीं दिखा सकता,
बट हाँ आप वहाँ पर देख सकते हैं, वहाँ से रोते रोते आए थे डिम्पल जी, और यहाँ पर फिर यहाँ पर शूटिंग हुई थी। तो ये थी लास्ट लोकेशन हमारी। तो दोस्तों यार मैंने वीडियो तो बना ली, बट यहाँ के जो पुजारी हैं वो मना कर रहे थे कि भाई यहाँ पर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है इनकी परमिशन के बिना। हाँ जी, हाँ जी, नहीं भेज, अरे अभी तो आए थे, वो आए थे ना, मैंने देखी वीडियो, आपने वीडियो में बनाई है, आपने इनको वीडियो बताते चलो ऊपर आ जाओ। अरे बनाने दो थोड़ा, बस हमने ये शूट करना है थोड़ा सा, बस ये दो मिनट का, कुछ नहीं करना। शूटिंग हुई थी ना वो बना रहे हैं। हाँ, जहाँ पर मूवी की शूटिंग हुई थी ना, बस ये बनाना है हमने। थैंक यू। बट फिर मैंने थोड़ा बहुत समझा कर इन्हें समझाया थोड़ा सा कि भाई दो मिनट की वीडियो ही बनानी है, ज़्यादा नहीं बनानी है, इसलिए फिर ये मान गए। और भाई वैसे बाबा ने पहले एक वीडियो में इंटरव्यू दिया हुआ है इस जगह का, मतलब बताया हुआ है, इसलिए मैंने बोला कि भाई बाबा जी आप तो पहले वीडियो में आए हो, इसलिए बाबा ने बोला कि भाई हाँ जी बना लो। और ये था आज का ये व्लॉग, आपको ये वाला व्लॉग कैसा लगा और ये जगह कैसी लगी, जैसे कि मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया कि भाई यहाँ पर कौन कौन सी शूटिंग हुई है। तो आपको अगर ये वाला व्लॉग अच्छा लगा है तो भाई लाइक करना, शेयर करना। और तो इस व्लॉग में मैंने आपको बहुत सारी लोकेशन बताई हैं जो कि भाई शेरशाह मूवी में हिमाचल में शूट हुई है, पालनपुर में। तो भाई आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगा है तो एक शेयर तो बनता है यार, कर दीजिए। और कमेंट करके जरूर बताना आपको शेरशाह मूवी कैसी लगी। अगर अभी तक अगर आपने शेरशाह मूवी नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देखो। और भाई दिल से सलाम है विक्रम बत्रा को, ऐसे ऐसे वीर हमारे हिमाचल में, हमारे भारत में जन्म लिए हैं। तो यार बहुत दिल से अच्छा लगता है, जैसे मैंने मूवी देखी यार, मेरे को पहले नहीं पता था कि भाई विक्रम बत्रा पालनपुर के हैं। जैसे मैंने मूवी देखी फिर लगा भाई कि पता है ये सारी हिस्ट्री है। फिर मैंने इनके बारे में पूरी स्टडी करी, पूरी रात में इनके बारे में वीडियोस वगैरह देखता रहा। तो जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली वो मैं आपको बता रहा हूँ। और आपको अगर आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगा है तो भाई लाइक शेयर कॉमेंट जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और चलिए फिर मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग व्लॉग में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय। गल्ला तेरिया तो लगदा यार वे मैं थो तेरा मन परया, मन परया बदल गया सारा वे तू मैनू छड़ जाना। गल्ला तेरिया